कावेरी, क्या बात है, क्या सोच रही? कुछ नहीं, कुछ काम था। हाँ, तुम्हें बताना था कि कल तुम्हारी मीडिया शूट है। तुम्हारे इलेक्शन प्रोसेस के लिए हमें काफी सारी कैनवसिंग करनी है अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर। काफी सारे एड्स बनाने हैं, प्रमोशनल फिल्म्स बनानी है। आई एम श्योर यू आर अवेयर हाउ पावरफुल मीडिया इज टुडे। मैं तुम्हारी इमेज की इस तरह की प्रोजेक्शन करना चाहती हूँ कि तुम परफेक्ट कैंडिडेट बन जाओ लोगों के लिए, ताकि चुनाव के दिन ऑटोमेटिकली लोग तुम्हारे नाम के सामने अपनी मोहर लगाएं। एक ऐसी औरत की इमेज जिसके पति ने उसे धोखा दिया है। राजेश्वरी, आई एम सॉरी, मुझे ये शूट नहीं करनी। व्हाट? बट आई हैव ऑलरेडी इनवाइटेड ऑल दोस पीपल। कैंसिल इट। राजेश्वरी, मेरे ख्याल से तुम कल की मीडिया शूट को कैंसिल कर दो। कावेरी इस वक्त मानसिक तनाव से गुजर रही है, हमें उसे कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए, उसे कुछ वक्त के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए। मैं उसे समझाती रहूंगी, और फिर तुम तो जानती हो मेरे समझाने का तरीका, फायदा नुकसान सब कुछ समझा देती हूँ। हेलो कल्याणी, मैं अभी बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। राकेश, तुम सोचते बहुत हो और तुम्हारी हर बात सोच तक ही रह जाती है, पर अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मेरी हर इच्छा पूरी करने के लिए अब मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार करना पड़ता है। बताओ, क्या फैसला किया है तुमने? वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, मैंने फैसला कर लिया है, बस कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। केक कर दो। पूछेंगे नहीं किस लिए? जानता हूँ, माँ बाबूजी की वेडिंग एनिवर्सरी है। आप पूजा में नहीं आ रहे? अभी पूजा शुरू नहीं हुई ना, बाद में आता हूँ। राकेश, हम इकट्ठे चलें तो? यशोदा, मैंने कहा ना मैं बाद में आता हूँ, तुम चलो। केक जरूर खा लीजिए। अरे अम्मा, आपको पता है जब ताईजी ने पैकेट खोला तो उसमें से सफेद साड़ी निकली। हम जानत है अम्मा, आप सोच भी नहीं सकती रिमझिम भाभी का चेहरा उस वक्त कैसे उतर गया। लेकिन अम्मा, हमको समझ में नहीं आ रहा कि भाभी ने ऐसा किया क्यों। अरे इस घर माँ कोई अपने आप को शेर समझे तो भले समझे, हम भी सवा शेर से कम नहीं। बुद्धू, वो साड़ी वो छोकरिया ने नहीं, हम बदले रहे। हाँ, पर जब हम साड़ी बदले रहे ना तो हमारा दिल तो धक धक करे रहे, कोई देखना लेना इस वास्ते। बस, पर एक बात का ध्यान रहे कि ये बात का पता किसी को ना ही चलने पाए। हाँ, वाह चाची, वाह। चाट गया। अरे चुड़ैल भी चार घर छोड़कर वार कर, या फिर आप समझकर भी समझना नहीं चाहे। संभल जाइए, वरना शायद जिंदगी भर यही सफेद साड़ी पहनकर घूमना पड़े। ना मांग में सिंदूर होगा, ना माथे पे बिंदिया, समझी? अरे
सारी कमबख्त मारी हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सजने धजने के अलावा और कोई काम आता है कि नहीं तू लोगन का? अरे क्या कर रहे हैं, जल्दी करा। अरे अरे खानी कूद कूद के क्या कर रखे, तू काहे नहीं ले लेती स्टूल? हाँ हाँ। और हाथ धोए कि नहीं तू? परसों धोए थे। परसों नहीं, आज धोए थे। आज धोए बुआ। अम्मा बुआ अम्मा, इसको कहाँ लगाएं? अरे हमरे सर पे लगा दे, कितना भी नहीं जानत का। जा हुआ लगा, वहाँ सामने। अरे अविनाश बिटवा जी, जाए की मदद कर, ये बुटके से कुछ नहीं होएगा। इंदू पूजा की सारी सामग्री है ना, सब निकाल के बाहर रख दियो, नहीं तो पंडित जी आएंगे तो हमारा सिर खाएंगे कि ई नहीं है और ऊ नहीं है। ठीक है, अभी ईरावती कहाँ रह गई? अरे आज तो बड़ी सुंदर लगत है, ब्याह की बरसगांठ मुबारक हो। भवानी कहाँ है? बाहर गए। बाहर? अरे ये वक्त बाहर तो बुलाओ ना उनका, कहाँ है भवानी? बाबूजी पूजा के लिए चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी पूजा बेटा, कैसी पूजा? जिस घर में इंसानों को बेइज्जत किया जाता है और भगवान के सामने बैठकर दो फूल पूजा के चढ़ा दिए जाते हैं, तो क्या फायदा ऐसी पूजा का? और मैं पूछता हूं, कितना और अपमान सहेगी तू? मैं तो नहीं सह सकता बाबूजी। माँ जी हमसे नफरत करती है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये घर में सब जानते हैं। उन्हें खुश करने के लिए सब हमारा अपमान कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो ये तो नहीं बदल सकते ना कि हम इस घर की बहू बेटा। लेकिन इस बाबूजी, जब ज्वालामुखी फटता है तब आग लावा बनकर बहती है, लेकिन जब वही लावा शांत हो जाता है तब सुंदर पहाड़ भी तो बनते हैं। किस मट्टी की बनी है तुम? हम जिसके भी बने, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। हम आज के दिन आपका और हमारा मूड खराब नहीं होने देंगे। हम माजी का गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे टेंशन में नहीं देख सकते। चलिए ना प्लीज। तेरी खबर। गजाननम भूतगणाशितम कपीत जम्मू बल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातृ लोक मातृ स्त्री पुष्टि तुष्टि आत्म कुल देवताभ्यो नमः ब्रह्मा मुरारे त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमि बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा प्यास के मारे व्याकुल था। वो अपना जो लकड़ी का बंडल था वो ब्राह्मण के घर के बाहर रख कर घर में प्रवेश किया। वहाँ जाके उसने देखा सत्यनारायण की कथा चल रही है, कथा सुनी, कथा सुन के उसने प्रसाद ग्रहण किया। वो ब्राह्मण से पूछा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा कि ये सत्यनारायण भगवान का कथा है, इसके ही प्रताप से मेरे यहाँ जो कुछ धन दान आदि है वो सब हुआ है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर को हो गया। इस प्रकार स्कंद पुराण रेवा खंडे से सत्यनारायण भगवान द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम मंदाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पते नमः स्वाहा।
ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भूमाय नमः स्वाहा, बताएगा भी? कोर्ट से नोटिस आया है प्रतीक के डाइवोर्स का। तलाक का नोटिस भेजा है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? अरे बहुत पक्षों नहीं, खामोश क्यों? प्रतीक से क्यों पूछ रहे हैं? इस लड़की से पूछिए कि इसको इस नोटिस के बारे में पहले से पता था या नहीं। हाँ पता था, सिर्फ रिमझिम को इसके बारे में पता था, लेकिन रिमझिम का इस मामले से क्या लेना देना? बड़ी जाहिर सी बात, तेरी और तेरी बीवी के टूटते हुए रिश्ते की जिम्मेदार रिमझिम तो हो नहीं सकती। सारी गलती तेरी, आरोप है नैना देवी और कावेरी का तुझ पर कि किसी दूसरी औरत के साथ तेरा संबंध। लेकिन बेटा मेरे सामने तो तू साफ मुकर गया था, इनकार किया था तूने। हाँ बाबूजी, मगर आज मैं स्वीकार करता हूं। शायद तुम्हारी बीवी
रास्ता पे, वरना इसके कदम बार बार कावेरी की माँ के घर क्यों जाते? पता नहीं इसने उनको क्या सब बात कही है या क्या लालच दी है कि ये कावेरी के साथ रिश्ता ही नहीं तोड़ सकते। हालांकि उस कावेरी की वजह से इस घर की इज्जत रोज बाजार में मिला। शायद कुछ लोगों को तो तमाशा देखने में ही मजा। मात्रे साहब से बात करवाइए। मात्रे साहब कैसे हैं आप? बस यूं समझिए कि ये इलेक्शन मेरी मुट्ठी में है। धीरे धीरे सारी स्थितियां मेरे नियंत्रण में आ जाएंगी। कल के बाद मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगी। जी मात्रे साहब, उसका मैंने पूरा इंतजाम करवा दिया है, आप चिंता ना करें। अच्छा राजेश्वरी। यस मैम। कल प्रेस वालों को तुमने कोर्ट में बुला लिया है ना? हमें किसी कीमत पर ये मौका चूकना नहीं चाहिए। जी मैम, सबको बुला लिया। लेकिन वो आपने आजकल कावेरी को नोटिस किया है? बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी है। मतलब? आई मीन मैम, हम लोग जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं, आई मीन व्हाटएवर इज हैपनिंग, कहीं इसकी वजह से कावेरी की पर्सनल जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो राजेश्वरी? एक प्रोफेशनल मुझसे ऐसी बातें कर रही है? कावेरी आपकी बेटी है मैम। ये तुम बताओगी तब मैं जानूंगी। मैं देख रही हूं जिस राजेश्वरी को मैंने अपॉइंट किया था वो अब अपना काम ना करके कुछ और ही कर रही है। काम ही कर रही हूं मैम। कभी कभी अपना कॉन्शियंस, अपना जमीर मानता नहीं है। अपने जमीर पर काबू रखो राजेश्वरी, इससे कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। कल की पब्लिसिटी का फॉलोअप कर लो। कर लिया मैम। फिर से सब कुछ चेक कर लो। जी मैं चलूं? परिंदे जब अपने पंख फैलाते हैं तो उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो किस दिशा में उड़ रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शिकारी ने उनके लिए जाल फैलाया था।